तो ये बिहार का घटना है। बिहार के चप्पलपुर गांव में जो है दुल्हा जो है मास्टर है और दुल्हे का जो है पिताजी जो है दहेज के कारण जो है शादी करने से साफ इनकार कर रहा है। बारीकी से हम जानते हैं दुल्हे के पिताजी से कि आखिर इसका रीज़न क्या है। जी सर बताइए आप, ये आप जो शादी करने से इनकार कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आखिर? देखिए दान दहेज तो आजकल एक परंपरा है। परंपरा है, अच्छा, हाँ, बताइए हमें, बताइए। हाँ, भले सरकार इस पर बैंड लगाए हुए हैं, लेकिन लड़का को पढ़ाने लिखाने में इतना बड़ा करने में हर चीज में पैसा खर्च किए हैं, तो अपने लड़का वैसे कैसे दे देंगे? सर आप बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हो करके आपके लड़का जो है, हाँ, शिक्षित है, मास्टर है खुद, जी जी है, उसके बावजूद भी आप जो है दहेज के लिए कर रहे, मांग कर रहे हो, अपराध है ना ये, आपको पता है ना ये? सर देखिए ये सब सिर्फ कहने की बात है, अच्छा, समझ गए ना? अच्छा, जो कानून बनाता है ना, उनके घर में जो शादी होती है जी, तो वो भी हमसे ज़्यादा लेते हैं। हम तो बहुत कम डिमांड किए हैं। कितना डिमांड है आपका? 5 लाख डिमांड है मेरा। 5 लाख? हाँ 5 लाख डिमांड है, और जो भी गहना जेवर होता है, सामान होता है, वो चाहिए। और चूंकि लड़का हमारा मास्टर है, तो इसको स्कूल आने जाने में दिक्कत होता है, तो एक 2 चक्का गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल। जी दुल्हा जी आप बताइए, आप पढ़े लिखे मास्टर हैं आप, और आप जो इस तरह का मांग कर रहे हो, आपको पता है ना कि आप इस तरह का मांग कर रहे हो, तो आखिर जो है आपके जो विद्यार्थी जो है, आप जो शिक्षित दे रहे हैं, वो बताइए इसके बारे में आप। देखिए हम क्या कहें, हम तो पिताजी के अंदर में है, पिताजी जो कहेंगे वही ना हम करेंगे। मतलब पिताजी जो कहेंगे वही करेंगे? हाँ। आपका अपना कुछ वैल्यू नहीं है? नहीं, पिताजी हमको जो कहेंगे वो हम करेंगे। आप मास्टर होकर के इस तरह का बात बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? बताइए अब क्या करें, अच्छा लगे या बुरा लगे। देखिए लोग कहता है कि दहेज बंद हो गया, दहेज बंद हो गया, लेकिन दहेज बंद नहीं हुआ है। पढ़े लिखे हो करके, चलो अनपढ़ हो तो कहेंगे मूर्ख चपाट है, जो भी है वो इस तरह का मांग कर रहा है। आप पढ़े लिखे लोग होकर के मास्टर हैं, आपको जो एक सेकंड में आपको जो है बाइक मिल जाएगा, पैसे मिल जाएगा, जितना आप 5 लाख रुपये मांग कर रहे हो आप, हैं बाइक कर रहे हो, 1 से 2 महीने में, 3 महीने, 6 महीने में आपका आ जाएगा उतना, वो तो आ जाएगा सर। और उसके चक्कर में आप जो है माहौल गंदा कर रहे हो, गांव को, जिला को, राज्य को, देश को बदनाम कर रहे हो, वो भी मास्टर। मैं बार बार यही मास्टर मास्टर कह रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि लड़की का पिता नहीं है, आपको पता है कि लड़की जी, जो जी, दो बहन है, हाँ, आपको, हाँ आपको पता है कि लड़की गरीब परिवार से है, उसके बावजूद भी आप इस तरह का बात कर रहे हो। नहीं तो उसको नहीं गछना चाहिए ना, वो बोल दिया कि ऐसे से बात है, हम देंगे, नहीं गछता तो नहीं होता शादी, जब बोल करके तब नहीं दे रहा है, तब तो ये बहुत बड़ा गलती कर रहा है ना। और हम ही नहीं ले रहे हैं दहेज, सारा संसार ले रहा है, झूठों के कानून बना है, कानून बना है नाम के लिए। तो आप कानून को नहीं मानते? नहीं है, कानून क्या है? देखिए दोस्तों, ये बिहार के शिक्षक टीचर है जो कानून को नहीं मानते हैं। मैं आदरणीय नीतीश जी से कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि देखिए ये है बिहार के मास्टर, ये है बिहार के मास्टर लोग। एक तो ये लोग जो है स्कूल को भी आजकल जो है, मैं कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, स्कूल में भी कितना पढ़ाते हैं, कितना दलाली मारते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। और आज देख रहे हैं कि एक जो है लड़की के साथ में, एक समाज के साथ में इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं, दहेज के कारण में जो है दूल्हा जो कह रहा है कि मैं बारात लेके वापस जा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, पैसा मिलेगा, आपका नाम खराब होगा ना। देखिए ये सब फालतू की बात है कि नाम खराब होगा, पैसा रहेगा ना, हाँ तो कोई खराब नहीं होगा, पैसा से सब छिप जाता है। लेकिन जब तक दहेज जो गछे हुए वो नहीं मिलेगा, तब तक सिंदूरदान नहीं होगा, शादी नहीं होगी। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, सॉरी नीतीश जी के पास में इस वीडियो को पहुँचाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में पहुँचाए कि इस तरह का आज भी हमारे समाज में व्यक्ति रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।